फतेहाबाद में हवलदार से रुपए छीनकर फरार होने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद तथा 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके वर्मा की ओर से यह सजा सुनाई गई है। इस संबंध में हवलदार देवेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 3 अप्रैल 2017 को बस स्टैंड के पीछे रेहड़ी पर सब्जी खरीद रहा था कि सब्जी लेने के बाद उसने रुपए देने के लिए जैसे ही अपना पर्स बाहर निकाला तो एक युवक ने झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया और भागने लगा। इस दौरान उसने कुछ ही दूरी पर युवक को दबोच लिया और वहां मौजूद लोगों ने युवक की धुनाई भी की। उसने बताया कि बाद में युवक की शिनाख्त नागपुर निवासी संदीप के रूप में हुई। पर्स में करीब 790 रुपये की नकदी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आज अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा, आजाद टीवी न्यूज। 3/4/2017 को देवेंद्र नाम का आदमी सब्जी लेने के लिए गया और जब वो सब्जी खरीद के और अपनी पॉकेट से उसने पर्स निकाला और पैसे देने के लिए, तो पर्स में 750 रुपये भी थे और उसी टाइम संदीप कुमार ने उससे झपट्टा मार के वो पर्स छीन लिया। और जब उसने देवेंद्र कुमार ने शोर मचाया तो कुछ और लोग भी आ गए और देवेंद्र कुमार ने उस आदमी को संदीप को पकड़ लिया। तो वो उसने अपने छुड़ाने की कोशिश करते टाइम उसने देवेंद्र कुमार के ईंट से भी चोट मारी। ये सजा की है। पी एस सी टी परिवार का मुकदमा है। FIR नंबर 232/3/4/17 और इसमें मुंजिम है संदीप सनोफ जुगलाल कास्ट नायक आरो नागपुर और इसमें शिकायत करता है HC देवेंद्र सिंह। उस टाइम इसकी PSCT फतेहाबाद में पोस्टिंग थी और ये नए बस स्टैंड के पीछे जो रेडिया लगती है वहाँ सब्जी ले रहा था। जब ये सब्जी वाले वो पैसे देने लगे, इसने अपना पर्स निकाला तो ये संदीप पर्स छीन के भाग गया।